एक दिन में 20 काम करवाती है हमको, और हमको आधा चीज तो मिलता ही नहीं है ढूंढने से। हमको बुला रही है और हम फोन में घुस गए ठंडा के नीचे हवा खाने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। और कल का ब्लॉग मैंने इसलिए जल्दी एंड किया था क्योंकि कल मेरा फ़ोन का बैटरी डेड हो गया था, जिसकी वजह से मैं आगे का नहीं बना पाई। बट कोई ना, और वैसे भी कल घर आते आते रात हो गया था, तो सब थक गए थे, सो गए। और आज नया दिन है, नया सुबह है। पता है अभी क्या हुआ? अभी हम बाहर में थे, बैठे थे, पीछे से मेरी दीदी आवाज लगा रही थी, हमको बुला रही है और हम फोन में घुस गए। इतना चिल्ला रही है, हमको सुनाई नहीं दे रहे। सालक चल रहा है तांडव, हद है। चाय पीने के लिए बुला रही है और हम फोन में घुसे पड़े हुए, सुने ही नहीं, एक बार भी नहीं सुने। अभी तो अभी टाइम हो रहा है 6, अभी मैं पहले फटाफट से तो नहीं, बट अभी हमको रोटी बनाना है। सबको इधर किचन में आ चुका है, सबको ही। मेरी सिस्टर बना रही है शायद केक, देखो इसका रेसिपी। इसका दिन भर केक बनते रहता है, बनाती है फिर दूसरा दिन बनाती है, लेकिन हमको वीडियो में नहीं दिखा रही, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मेरा इसका केक बनाया हुआ हो जाता है। दीदी मांगी ये, हम उठा के ले आए हैं। अब क्या मांगी हमको नहीं पता है, हमको जो मिला अब ये चीज है या नहीं हमको नहीं पता, वही बता सकती है। क्या ये वही चीज है? है? ये हमको शांति से रहने नहीं देती है, कभी ये ले आओ कभी वो ले आओ। मेरा कैमरा साफ आ रहा है या काला हमको वो भी नहीं पता है। एक दिन में 20 काम करवाती है हमको, और हमको आधा चीज तो मिलता ही नहीं है ढूंढने से। मिल गया कुछ। किसको अपना बाल कटवाना है बोलो? हम सैलून का काम कर रहे हैं, बाल काटने का, बाल काट देंगे। किसी को कटवाना है आ जाना मेरे पास, हम बाल काट देंगे। अब इसको शायद समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, हमसे संपर्क करें हम काट देते हैं। ये देखो, बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इन्होंने अपना काम कर लिया है। अब इसमें क्या लगाई है आप? इसमें क्या लगाया है आपने? हाँ तो बता नहीं रही है, सिर्फ गाली दे रही है हमको, वीडियो पॉज कर करके गाली दे रही है। ये देखो ऐसे केक बनता है। हमको केक, अगर दीदी केक बनाती है तो हमको केक का सेंट से भूख लग जाता है, आदत से ना चाह रही है, कुछ भी बनाती है पहले ही भूख लग जाता है हमको। गोल गोल घुमा घुमा के कुछ समझ में नहीं आया। अब कढ़ाई उठा के लाई है, तो अब क्या करना है? क्यों काटे हम कुछ भी? इधर छंद से आवाज आ गया, इधर छंद से आवाज आया, कुकड़ुक्कू। आगे का गाना हमको नहीं आता है। हाँ तो इसको खाली कर दी, क्योंकि इसमें हमको भी रोटी बनाना है, उसमें जाके चढ़ाई है कढ़ाई। हाँ तो आगे का देखते हैं। उसमें कढ़ाई के ऊपर ये प्लेट जैसा कुछ रख दी है। ए, मेरा इज्जत का कचरा कर रही है, हम थोड़े ना धोते हैं। हाँ तो अब पता नहीं इसमें देके खड़ा क्यों है वो, हम भी खड़े हैं। अब आगे क्या करना है पता नहीं, हमको ऐसे करके धमकी दे रही है। अब हमको नहीं पता क्या करने वाली है वो। क्यों बोला? हाँ तो हमको डांट रही है। देखते आगे क्या कर रही है, इसको छू रही थी अभी, मेरे कैमरा इधर करते से ही हाथ हटा दी वो। अब कहाँ जा रही है? है धोएगी, धो लो तुम्हारा ही काम। हम तो है भाई, वो गैस जला दी है, केक गायब हो गया इधर में है। देखो देख लिए, अब शायद अब क्या करेगी हमको नहीं पता।
बहुत आवाज करती है लड़की पानी का। हाँ तो अब दीदी मेरी जो केक बना रही है, एक कढ़ाई उसने एक गैस पे उसने ये रखा है, एक गैस खाली रखी है क्योंकि वो चाहती है हम रोटी बनाए जो हमको आता नहीं है। बट कोई बात नहीं, अब कच्चा रहेगा या जला हुआ रहेगा उसको खाना तो पड़ेगा, हम बना देंगे कोई बात नहीं, हमको तकलीफ नहीं है, बस पसीना से हालत खराब हो जाता। हाँ तो अब देखते हैं आगे वो क्या करना चाहती है। आई थिंक गर्म हो चुका है दीदी, अब आप देख सकते हैं मैडम कोई कमेंट में ये मत बोला कि आप कितना पटर पटर करती है और आपकी दीदी इतना शांत रहती है, वो भी पटर पटर करती है ऑफ कैमरा। देखो ये चढ़ा दी इसने, अब इसको ढक दिया है इसने, अब गैस को कम कर, अब वो अपना काम करे, अब हम अपना काम करेंगे, उसके बाद फिर केक बनेगा तब वीडियो स्टार्ट करेंगे, तब दिखाते हैं आप लोगों को केक बनाने की स्वाद भी बताएंगे। तो गाइस बोल रही है केक आज नहीं बनेगा कल बनेगा, ऐसा भी होता है क्या? बोल रही है केक चढ़ा दिए कल बनेगा, ये जो उसका खतरा कर रही है वो मेरा, ऐसा भी होता है क्या? केक आज चढ़ता है कल बनता है छोटा। हाँ तो हमको मार दिया है, तो कमेंट में बता देना आज बनेगा केक या कल बनेगा, हमको कंफ्यूज कर दी है। खैर मिलते हैं। पटका पटके कर रही है, सब चालू है, पटका पटके कर रही है। हम देखने आए हैं यहाँ पर काम छोड़ के कि क्या कर रही है ये, हम मुंह उठा के कहीं भी टपक जाते हैं, यहाँ पर टपक गए देखने की। हाँ तो मेरी मम्मी खो गई, हमको दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, पूरा रूम मतलब रूम नहीं है खाली दिख रहा है, उनका बेड बिस्तर जो भी है खाली दिख रहा है। तो मिल जाएगी कल बात परसों, क्या चीज है कोई हमें भी बता दो ये क्या चीज है। क्यों बेटा? ओ वाव, ये केक का डिजाइन बनाने वाला है जो हमको पता नहीं। हम लोग का घर में पूजा का जो बर्तन सब है ना, सेम वैसे इत्तू सा ग्लास है, कहाँ गया मेरा हाथ, इत्तू सा ग्लास है, इत्तू सा कटोरी है, वैसा ही इत्तू सा ग्लास है, ये हमको वैसा वाला फीलिंग आ रहा है। ये देखो ये हम उठा लिए, ये है छोटू सा ग्लास, नहीं ग्लास नहीं, हम बोलने वाले थे इससे हम आपको चाय पिलाएंगे बट ये इधर से दिखता है आर पार तो चाय गिर जाएगी इसलिए आप लोग को चाय नहीं पिला पाए। रख देते इसको नहीं तो गाली सुनना पड़ेगा। ये है चाकू और हम आपका मर्डर कर देंगे, नहीं आपका नहीं इसका मर्डर करेंगे क्योंकि आप लोग तो मेरा फैमिली है, इसका मर्डर कर देंगे। ये करते ये लड़की बहुत बदमाश है, इसका सच में हमको मर्डर करना पड़ेगा। ये मेरा थोबड़ा पर फेंक दी थी, थोबड़ा बिगड़ जाएगा मेरा, देखते हैं और आगे क्या चीज है, इसका सब कुछ फेंक देंगे हम। ये हम रख देते हैं शांति से वरना हमको बोलेगी तुम ही फेंकी है। ये इसे खोला नहीं जा रहा, एक नंबर की डैश 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 है, बेवड़ी है एक नंबर की, बार बार छोटा छोटा काम में हमको उठवा रही है, हम नहीं उठेंगे अब, ये हम बोल भी नहीं सकते, लतिया आएगी हमको। ये चाकू ज्यादा बढ़िया है काटने में, ज्यादा ये चाकू ज्यादा प्यारा है, इससे मर्डर करेंगे, मर्डर हो जाएगा ना, एक नंबर। ये लीजिए रख दीजिए वरना सच में हमको मार देगी। हाँ तो क्या बोल रहे थे हम, ये इसका अटता नहीं है, इधर अटता है उधर नहीं अटता है, बुद्धि थोड़ा इसका कम है, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, इस इधर घुसा सकते हैं। ये क्या चीज है कि बेटा? चॉकलेट हवा ने की ना बाबा। हाँ तो हम सुने ये चॉकलेट है और जो चीज चॉकलेट होता है वो हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, अब हम डब्बा खोल नहीं पा रहे, खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हम, तो चॉकलेट उठा खावा। हाँ तो ये देखो हम खा रहे हैं, अगर हमको कुछ हो जाए तो मेरी दीदी को बोल देना। अच्छा था, बहुत बढ़िया था, खाने में बढ़िया लगा। भुट्टी रानी आप इधर आ जाओ, आपके लिए मेरी दीदी बुला रही है।
इसको थोड़ा ज्यादा। वो मेरी बहन का फेवरेट है, छोटी बहन का। उसके बदले ये है कि हम मार लेते हैं। भुटकी आ जाना तुम्हारे लिए, उसका फेवरेट चीज है ये। मेरी सिस्टर हमको घूर घूर के देख रही है, पक्का कैमरा ऑफ होने के बाद हम लात खाएंगे। ये स्टॉप घुमाते, ठीक है, डांट रही है हमको, इसलिए शांति से हम रख देते हैं। ज्यादा डांट खाना भी अच्छी बात नहीं है। हाँ तो गाइस, आज कुछ ज्यादा ही बकैती हो गया है। अब फटाफट से पहले हम अपना काम खत्म कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। तो हम आ गए हैं अपना काम करके इधर झंडा के नीचे हवा खाने, मतलब छत पे टंडोली मारने। देखो झंडो जी, तो केक आधा बना है और कंप्लीट कल को होगा, तो आप लोगों को केक पूरा कल देखने को मिलेगा, दीदी का बनाया हुआ केक। फिलहाल जैसा बना है हम दिखाने वाले थे, पर मेरी दीदी दिखाने नहीं दी, लेकर चल दी। बट कोई ना, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।